बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोग का? ठीक है, खैरियत से? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से कल एक सर्कुलर शाया किया गया और इसके अंदर ये कहा गया तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको कि आप लोग पूरी दस्तावेजात देखें, जितने भी पैसेंजर्स आप लोग लेके आते हैं ओमान के अंदर, अगर कोई दस्तावेजात पूरी ना हुई तो एयरलाइंस के ऊपर भारी जुर्माना होगा। तो भाई, इस हवाले से एक और सर्कुलर शाया किया गया ओमान की CAA की तरफ से। आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट शाया की गई है टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ स्टेटमेंट ने तमाम लोगों को और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं। तो भाई, इस हवाले से क्लियर नहीं किया गया इसके अंदर, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये ओमान डिफरेंस के अंदर जो स्टेटमेंट शाया की गई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक तस्दीक की गई है कि जो भी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर अब अराइवल करेंगे उनके लिए ये कानून लागू होंगे। तमाम सेम है लेकिन थोड़ी सी चेंजअप की गई है इसके अंदर। सबसे पहले यह है कि आप लोगों ने अपनी दस्तावेजात यानी कि कोरोना वायरस का टेस्ट अप्रूव, जो वैक्सीनेशन आप लोगों ने करवाई हुई है, वो तमाम यानी कि तमाम चीज़ें जो आप ई मुशर्रफ ऐप के अंदर डालते हैं वो अब 48 घंटे पहले आप लोगों ने डालनी है। यानी पहले आप सफ़र करने से थोड़ी देर पहले भी डाल लेते थे, नहीं, अब 48 घंटे पहले यानी कि 72 घंटे पहले अपना कोरोना का टेस्ट करवा के 48 घंटे पहले आप लोगों ने तमाम अपनी चीज़ें उसके अंदर दर्ज करनी है ई मुशर्रफ ऐप के अंदर। उसके बाद आप लोगों को पास मिल जाता है, जो आप लोग यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड हो जाता है उसका आप लोगों ने प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद जैसे पास की शक्ल, जैसे जो सरकारी मुलाजमीन जो मतलब करते हैं जॉब वगैरह, उनका एक कार्ड बनता है, उस तरह का कार्ड बनवा के यानी कि उसका जो आपका जो पास हो जाता है तमाम चीज़ें, उसको काले रिबन के अंदर परो लेना है। काले रिबन के अंदर परो के गले के अंदर लटका के फिर आप लोगों ने काउंटर पे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है। तो ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं ओमान की CAA की तरफ से। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, किसी को समझ नहीं आ रही। मेन बात कहने की ओमान की CAA की तरफ से ये है, ताकि तमाम चीज़ें उनके सामने क्लियर हो, पास की शक्ल में आपके गले के अंदर वो कार्ड लटका। तो ये तमाम हदायत शाया की गई हैं ओमान की CAA की तरफ से और इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सो तक की अपडेट्स थी और इंशाल्लाह जैसे रुक जी न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोग को देंगे। राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, हंसते भंसते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।